Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूँ इज़हार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ सानियों का 450 टन का चिलर है, जो कि कवर का जो लीविंग और टेम्परेचर है वो ज़्यादा जा रहा है। तो उसकी वजह क्या बनी है तो वो मैं आपको दिखाऊँगा और उसी को इस वीडियो में दिखाऊँगा कि कहाँ पर जो ताप है, जहाँ से पानी में शावर हो रहा है टावर में शेल में, वो लोग आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बंद है। और उनको मैं साफ करूँगा तो जो पानी अच्छी तरह शावर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि टेम्परेचर डाउन जाता है कि नहीं जाता। इससे तकरीबन 2 डिग्री का, 1.5 से 2 डिग्री का फ़र्क पड़ जाएगा। अभी वो जा रहा है 37 से आउट हो रहा है और 32 के करीब इसमें से टावर में से जा रहा है चिलर को, तो वो ज़्यादा है, ये 37.5 कुछ है, उसको 30 से भी डाउन होना चाहिए। तो मैं इनको साफ करने लगा, वो ही आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये 4 शैल हैं इसके और 8 ट्रे बनती हैं। देख सकते हैं सिर्फ मैंने एक ट्रे को साफ किया है, तो ये देखेंगे आप पानी का लेवल भी डाउन चला गया है, क्योंकि काफ़ी सारी नोजलें चलनी शुरू हो गई हैं। पहले ये होल पास थे साफ, तो अब आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल भी डाउन हो गया। तो बाकी को भी इसी तरह मैं साफ करूँगा। ये सामने इनके कचरा आ जाता है इधर, ये पॉइंट आप देख हो रहे हैं आगे इनके को करता जाऊंगा। अभी फिलहाल एक ही किया, बाकी भी जाने। ये आप देख सकते हैं कंडेंसर टेम्परेचर जो 3.21 है और जो ऊपर जा रहा है मशीन से 3.74 है, तो जो कूलिंग टावर का टेम्परेचर जो ज़्यादा जा रहा है, तो इसी को हमने चेक कर रहे हैं। की अब करने लगे वो साइड कंप्लीट हो चुकी है। ये अभी आप देख सकते हैं इनको भी करते हैं बाइक।
आगे नीचे चेक करते हैं चिलर, चिलर का टेम्परेचर कम से कम 1 डिग्री तो डाउन होना चाहिए।